नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। बोदली मालवाही के बीच आईईडी बम मिला है। सीआरपीएफ बीडीएस की टीम ने डिफ्यूज किया इसे। सात धार पुलिया के पास आईईडी बम मिला। सर्चिंग के दौरान आईईडी बम मिला है। बारसूल पल्ली मार्ग पर लगाया गया था आईईडी बम। आईईडी विस्फोट में दो जवान घायल हुए। नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई दंतेवाड़ा में। बोदली मालवाही के बीच आईईडी बम मिला। सीआरपीएफ बीडीएस की टीम ने इसे डिफ्यूज किया है। सात धारा पुलिया के पास मिला है आईईडी बम। सर्चिंग के दौरान आईईडी बम मिला है। सुरक्षा बलों को जवानों को बारसूल पल्ली मार्ग पर आईईडी बम को लगाया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। आईईडी विस्फोट भी हुआ, जिसमें दो जवान घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे दंतेवाड़ा संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन पर। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? हालांकि दो जवान घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। दिनेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे दिनेश से संपर्क करने की। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई दंतेवाड़ा में। आईडी विस्फोट में हालांकि दो जवान घायल हो गए। आईडी बम मिला था, जिसे नक्सलियों ने डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारसूल पल्ली मार्ग पर आईडी बम लगाया था नक्सलियों ने जवानों को, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। सीआरपीएफ बीडीएस की टीम ने इसे डिफ्यूज किया। सात धारा पुलिया के पास आईईडी बम मिला। बोदली मालवाही के बीच आईईडी बम लगाया था। नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई दंतेवाड़ा से बड़ी खबर। सीआरपीएफ बीडीएस की टीम ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया। सात धारा पुलिया के पास आईईडी बम मिला। सर्चिंग के दौरान आईईडी बम बरामद किया गया। बारसूल पल्ली मार्ग पर आईईडी बम लगाया गया था। आईडी विस्फोट में दो जवान घायल हो गए थे। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता दिनेश जुड़े हुए हैं फोन पर। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? दो जवान घायल हुए, लेकिन फिर भी नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई। दंतेवाड़ा में नक्सली साजिश नाकाम हुई है। बारसूल पल्ली मार्ग पर आईडी बम लगाया था नक्सलियों ने, सुरक्षा बलों को, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन नक्सली इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। कल प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। काउंटिंग की तैयारी पूरी है। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर गिनती होगी, काउंटिंग की जाएगी। सभी टेबल पर एक साथ वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। कल 90 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। ईवीएम को स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इन्हीं सुरक्षा घेरों के बीच वोटों की गिनती होनी है। न्यूज 18 की टीम हर काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहेगी और पल पल का अपडेट एक एक सीट पर आने वाले रुझान को सबसे पहले और सबसे सटीक ढंग से आप तक, दर्शकों तक पहुंचाएगी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 घंटे 23 मिनट 44 सेकंड। जी हां, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, किसको निराशा हाथ लगेगी, ये साफ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमारा हर एक रिपोर्टर तैयार है। हर एक विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण, सबसे तेज सबसे पहले नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। हर काउंटिंग सेंटर पर हमारी टीम तैनात रहेगी। सुरक्षा की तैयारियां भी हैं, काउंटिंग की तैयारियां पूरी हैं।
14 टेबल पर गिनती एक साथ शुरू होगी कल। तो रायपुर में निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कांगले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल मतगणना को लेकर जानकारी दी। मतगणना केंद्रों में 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतगणना और सारणीकरण की वीडियोग्राफी होगी। कैसी तैयारी है? 90 विधानसभा क्षेत्र में 90 रिटर्निंग अधिकारी होंगे, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे, 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने पर बैन रहेगा। पहले डाक मत पत्रों की काउंटिंग की जाएगी। के जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतगणना हेतु 90 मतगणना हॉल सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों में निर्धारित किए गए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरी मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। राज्य के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं तो काउंटिंग के लिए तैयारी लगभग पूरी है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी कल छत्तीसगढ़ में। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ रायपुर से ममता जुड़ी हुई हैं। ममता, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं मैं। कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, तस्वीर साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां की? बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में मौजूद हूँ इस वक्त और ये प्रदेश कांग्रेस जो का कार्यालय है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पूरी तैयारी उनकी है काउंटिंग को लेकर। यहाँ पर भीतर एक वॉर रूम बनाया गया है और वॉर रूम के जरिए पल पल की अपडेट जो है वो ली जाएगी। मतगणना स्थल की भी जानकारी जो है वो यहाँ पर मिलती रहेगी और तमाम जो लीडर्स कई जो लीडर हैं उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि प्रवक्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सभी जो प्रत्याशी हैं उन्हें कहा गया है कि वो अपने मतगणना स्थल पर रहें, वहां पर कंट्रोल रूम जो है उस पर नजर रखें, वहां से हिले ना और जैसे ही चुनाव के नतीजे निकले तुरंत जो है वो सर्टिफिकेट लेकर राजधानी रायपुर लौटे। जो रायपुर के लोग हैं वो भी वो यहां पर राजीव भवन पहुंचे और जो रायपुर से बाहर के हैं वो तत्काल जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहां पर रायपुर पहुंचे। और मतगणना स्थल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बताया गया कि 14 राउंड जो है वो 14 टेबल लगे हुए हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है। प्रत्याशी जो है वो उनको पूरी छूट रहेगी कि वो जाकर सीधे तौर पर काउंटिंग सेंटर के भीतर जाकर देख सके। उनके जो एजेंट होंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, मीडिया के लिए अलग से रूम बनाया गया। जो प्रत्याशी आएंगे वो बाइट देना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से जगह जो है वो सुनिश्चित की गई है। कई बार झड़प की स्थिति होती है तो वहां पर अलग से जो है वो जवान तैनात किए गए और जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जिले हैं या संवेदनशील जिले हैं वहां पर फोर्स जो है वो और ज्यादा फोर्स लगाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमने अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी सतर्क रहने के लिए कहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्हें कहा है कि बिना सर्टिफिकेट लिए वहां से हिलेंगे नहीं और जो राउंड जो काउंटिंग के जो राउंड होंगे उस पर पूरी नजर रखी जाए। और एक एक राउंड के बाद में अगर उन्हें लगता है कि जिस तरह से ये भी कहा गया है कि राउंड के बाद में अगर लगता है कि कहीं पर उन्हें कोई डाउट होता है तो उसको लेकर भी वो तत्काल उस डाउट को लेकर जो है वो वहां पर आपत्ति जताएंगे। और अगर बात करें तो पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस कह रही है कि उनकी तैयारी है। अभी भी अगर बात करें तो अंदर वार रूम के
भीतर कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है या जिनको जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है ममता, मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं काउंटिंग को लेकर? कल का दिन छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करेगा, कहां मौजूद हैं आप? बिल्कुल सुमित, देखिए मैं इस वक्त शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में मौजूद हूँ, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है और अलग अलग स्ट्रांग रूमों को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। मतगणना के लिए यहाँ पर लगभग 750 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही BSF ASF की जो बल है, उसके अलावा जिला प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेगी। आपको बता दूँ कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अवनीश शरण यहाँ पर अभी मौके का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। अंतिम चरणों में है ये तैयारी और लगभग जो नेता है, जो राजनीतिक दल के जो नेता है वो भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जहां जहां पर भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर एजेंटों के बैठने की व्यवस्था, इसके साथ ही जो वहां पर अंदर में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, इसके अलावा जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जो माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, ये जो तमाम जो टीम होगी काउंटिंग के दौरान, उनके लिए वहां पर बैठक की व्यवस्था लगभग पूरी कर ली गई है। इंतजार बस कल का है, यानी कि महज कुछ घंटे बाद यहां पर परिणाम जो है छत्तीसगढ़ का आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी बता दूं कि बिलासपुर संभाग महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग ही जीत की चाबी तय करेगी। यानी कि यहां से जो भी प्रत्याशी जीतेंगे वो कहीं ना कहीं सत्ता की दशा दिशा को दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है सुमित। तो कल 8 बजे का, बिल्कुल लगभग तैयारी पूरी है, सभी को इंतजार है कल का। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, सभी की नजरें वहां पर होंगी, क्या कुछ तैयारियां श्रवण महंत आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए मैं इस वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि यही वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पे कल मतगणना का काम होगा। सुबह 6 बजे से यहां मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और जो है देर शाम तक, जब तक प्रतिनिधि का जीत न जाए तब तक काम चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो अंबिकापुर विधानसभा है उसमें दो डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का महत्वपूर्ण सीट है, सभी की नजरें टिकी हुई है। पूरे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो कल के दिन का बेहद इंतजार कर रहे हैं। सरगुजा जिले में 3 विधानसभा सीट है, तीनों विधानसभा सीट में जो है कल मतगणना की जाएगी। इसके लिए तैयारियां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कर ली है। 2 सीट जैसे अंबिकापुर विधानसभा सीट में TS सिंहदेव हैं, इसके साथ साथ सीतापुर विधानसभा सीट में अमरजीत भगत हैं, जिसके वजह से लोगों की नजरें कल टिकी रहेगी। और दूसरी चीज बता दूं कि यहां पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं ताकि किसी शांतिपूर्व तरीके से मतगणना का काम हो सके, 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर किया गया है। अंदर में CRPF के साथ जो पुलिस के जवान हैं वो भी तैयारी यहां पर तैनाती की गई है। इसके साथ साथ जो है अगर बात की जाए तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में 21 राउंड होंगे, 21 राउंड, और इसके अलावा जो लुंडा विधानसभा है वहां 19 राउंड और सीतापुर विधानसभा में 18 राउंड जो है मतगणना का काम होगा। और इसके लिए जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। ठीक है ठीक है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर से ही मिलती है, काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र, अगर बस्तर को जिसने जीत लिया छत्तीसगढ़ समझो उसका, क्या कुछ तैयारियां बस्तर में काउंटिंग को लेकर कल के दिन को लेकर? जी बिल्कुल, काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अभी कुछ ही घंटे शेष बचे हैं जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता तक पहुंचने वाले दल कौन सा है। कहा भी जाता है कि जो बस्तर को जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच लिया। बस्तर के 12 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां पर जो कोंटा से लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा मैदान में है, कोंडागांव से मोहन मरकाम है, तो वही चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस के PCC चीफ दीपक बैज भी मैदान में। ऐसे में जो बस्तर के जो 12 सीटें वो कांग्रेस की झोली में, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है काफ़ी टक्कर वाला रहा है। और बस्तर में जो बात ये भी कही जा रही कि कमल खिलेगा या कांग्रेस खिले, कांग्रेस का पंजा आएगा, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। कल सुबह 7:30 बजे से डाक मतपत्र की गिनती शुरू हो जाएगी और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना स्थल की बात करूँ तो काफ़ी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, आसमान से भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। CRPF और जिला पुलिस के लगभग 200 जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं। साथ ही बस्तर में पहली बार महिला कर्मचारियों से मतगणना का कार्य
लिया जा रहा है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में राजनीतिक दलों के सभी नेताओं की जो धड़कनें तेज हो गई है, अब कल सुबह का इंतजार है कि बिल्कुल धड़कनें तेज हैं और हमारा नेटवर्क भी तैयार है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी तैयार है, हर एक सीट पर हमारी टीम मौजूद रहेगी, पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे कल होने वाले वोटों की गिनती को लेकर, सुरक्षा अधिकारी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि मतगणना के दौरान वोटों की गिनती बिना किसी बाधा के संपन्न कराई जा सके। कल मतगणना होगा और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही साथ किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी हम सीधा बात करेंगे, हमारे बीच एएसपी नीरज चंद्राकर हैं ग्रामीण, हम बात करेंगे। सर, किस तरह की पूरी व्यवस्था रहेगी कल काउंटिंग को लेकर के, क्या तैयारियाँ रहेंगी? कल मतगणना होनी है, उसके लिए हम लोगों ने पुलिस के पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर लगाई हुई है। जो प्रवेश द्वार है जो मतगणना कक्ष से 100 मीटर की दूरी पे, वहाँ पर सभी व्हीकल्स प्रतिबंधित होंगे, उसके अंदर कोई सिर्फ ऑब्जर्वर की गाड़ी आएगी, बाकी जो भी प्रत्याशी और कर्मचारी हैं उनके और या एजेंट है, प्रत्याशी और एजेंट के लिए हम लोगों ने एक रास्ता जो मुख्य रास्ता है वहाँ से प्रवेश द्वार निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त जो पीछे बिल्डिंग के पीछे में एक और दरवाजा है वहाँ से मतगणना कर्मी आएंगे, तो सभी के लिए जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, जो भी को भी सी चीज़ें जानी है कौन सी नहीं जानी, ये सब चीज़ भी पहले से सबको निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर 5 एडिशनल एसपी हैं, करीब 10 बीएसपी हैं और वैसे 10 से 15 टीआई और करीब 200 का बल, इस प्रकार से पर सभी गेट पर सभी मार्गों पर व्यवस्था लगाई। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की अलग से व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है, साथ ही क्योंकि चुनाव रिजल्ट आते हैं उसके बाद में शहर के अंदर में एक जश्न का माहौल भी रहता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए शहर में भी पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी पुलिस व्यवस्था है वो मुस्तैद आभिज की गई है। अभी कुछ देर पहले निर्वाचन के पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक मॉक ड्रिल है वो होगा, तो ये कहा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य है वो चलेगा। फिलहाल तैयारी की जा रही है, कुछ देर बाद मॉक ड्रिल है वो होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए मुंगेली जिले के चातरखार मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, जहां मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा निर्वाचन अधिकारी राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह ने लिया। मतगणना को लेके जो परसों काउंटिंग होनी है उसके लिए पूरा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमें 25 का बल स्टेट पुलिस की तरफ से भी मिला है सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और जैसा कि आपको बताया गया है जो काउंटिंग हॉल है और बाकी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हमें CAPF जो BSF की एक कंपनी तैनात है यहाँ पे, उसी की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त मैं एंट्री गेट से लेके इस बिल्डिंग प्रमाइसेस के चारों तरफ की और जो चेकिंग है और फ्रिस्किंग है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला पुलिस जिम्मेवार है, और पूरे आज भी उसका रिहर्सल किया गया था और सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, उनकी मीटिंग ली जा चुकी है, तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। और आज हम लोगों ने पत्रकार साथियों से भी चर्चा की, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और पूरी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के पूरे नॉर्म्स का पालन किया गया है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी काउंटिंग एंड वी होप इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वन। एंड जितने नॉर्म्स हैं हम पालन कराएंगे और पासेस सबके लिए इशू किए गए, बिना पास के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा और चाक चौबंद व्यवस्था है और बेहतर तरीके से काउंटिंग संपन्न कराई जाएगी। ऑब्जर्वर्स भी आने वाले हैं, उनकी निगरानी में ही होगा।